एचटीएमएल में जो टाइटल टैग क्या होते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं जो टाइटल टैग होता है उसका यूज कैसे किया जाता है, और उसके बाद आपको बताएंगे कि जो उसमें प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम के साथ आपको कैसे इसमें समझाएंगे। तो सब चीज चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फेसबुक, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फेसबुक। जैसे आप सर्च करते हैं उसके बाद आप उस फेसबुक को लिंक पे क्लिक करते हैं, ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टॉप पे आपको दिख रहा होगा हमारी टाइटल टैग के अंदर गाते हैं, जो आप अपने कोड रिटर्न में आप जितने भी कोड करते हैं जब टाइटल टैग में आप जो चीज़ें लिखते हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो होती है। न्यू फाइल की लिख करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्लास फोर हम .html नाम से सेव करते हैं। .html इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो हमारी फाइल होगी वो HTML में होगी। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं, ये चीज़ें हमारी फाइल सेव हो जाती है। जैसे आपकी फाइल सेव होती है उसके बाद यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ 1 पे क्लिक करते हैं तो एक्सप्लेनेशन मार्क आता है, उसके बाद इस पे इंटर करते हैं तो आपके जो सारे कोड्स होते हैं HTML 5 के वो सारे कोड्स आपके जो ब्राउज़र पे हैं वो कोड एडिटर पे आ जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखें दिखा है डॉक टाइप HTML, उसी में हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हमेशा आपको टाइटल टैग पाए जाते हैं, तो टाइटल टैग आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपके यहाँ पे दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे इरेज करते हैं। अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को इरेज नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें कि कंट्रोल से सेव करके दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हमने फाइल को सेव नहीं किया है। तो अब आपको दिखा दें कि जो हमने ये टाइटल टैग को इसको कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे कोड एडिटर में जाते हैं, कोड एडिटर में जाने के बाद आप ये क्या डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इरेज कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। जैसे आप इसको डिलीट करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट की जगह आप कुछ भी अपने हिसाब क्लास फोर रखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें, अब जो आप वहाँ पे टाइटल टैग में आपको दिख रहा था, यहाँ पे आपको बता दें यहाँ पे जो दिख रहा था, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, और हमने भी यहाँ कोड एडिटर में हमने चेंज कर दिया है कि, लेकिन तब भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने कोड एडिटर में अभी चीज़ें यहाँ जो हमारी फाइल है वो सेव नहीं की थी। क्यों? कैसे पता चलेगा? आपके यहाँ पे कोड एडिटर में जहाँ पे टाइटल बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि बॉक्स जो सर्किल दिख रहा है वो अगर ऑप्शन दिख रहा है तो इसका मतलब आपका जो जो फाइल्स है वो सेव नहीं है। जब आपका फाइल सेव हो जाएगा तो ये चीज़ें शो नहीं होगा। तो कंट्रोल यस से या फिर यहाँ पे आप यहाँ फाइल में जाके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल यस से हम जैसे अपनी फाइल को सेव करते हैं और चीज़ें हमारी यह चीज़ें यहाँ हट जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं अपने ब्राउज़र में, ब्राउज़र में जाने के बाद अब भी आपका देखिए ये चीज़ें शो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल आर से रिफ्रेश कर सकते हैं। कंट्रोल आर से हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी हमारा यहाँ पे जो टाइटल बार है यहाँ पे ये चीज़ें अब शो होने लगा, दिस इज ए क्लास फोर। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।